वेस्टर्न मीडिया का टूटा प्रोपेगेंडा, भारत दौरे पर आए अमेरिकी पत्रकार की खुली आंखें, कभी कोसते थे भारत के पीएम मोदी को, कभी कहते थे भारत को गरीब, अब जपने लगे मोदी मोदी। साल 2014 का एक कार्टून अमेरिकी मीडिया के बड़े ग्रुप न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मंगलयान अभियान से पहले छापा था। सोच सकते हैं मोदी से पहले वेस्टर्न मीडिया कैसे भारत को देखता था। इस कार्टून के जरिए भारत को गरीब दिखाने की कोशिश की गई थी, हालांकि बाद में विरोध के चलते उस पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के भारत को लेकर अटैक थमे नहीं, वक्त वक्त पर ये लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। मोदी सरकार के बाद शुरुआती दिनों में और बाद में भी खूब प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आज हम जिस अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया का जिक्र कर रहे हैं, वो खुद पीएम मोदी को लेकर एक खास एजेंडे के तहत सालों तक अपना शो करते आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है और उसके पीछे पीएम मोदी की नीति और अमेरिका का पतन है। भारत को लेकर अमेरिकी मीडिया के मन में अचानक परिवर्तन दिखाई देने लगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भारत घूम कर गए CNN के वरिष्ठ पत्रकार और भारत के बड़े आलोचक रहे फरीद जकारिया ने अपनी भारत यात्रा को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने रखी हैं। चौंकाने वाली बातें इसलिए क्योंकि अमूमन अमेरिकी पत्रकारों के मुंह से भारत की तारीफ कम ही सुनने को मिलती है। भारतीय मूल के CNN के अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया हाल ही में भारत लौटे हैं। फरीद भारत से लौटने के बाद यहाँ हो रही आर्थिक तरक्की से काफी प्रभावित हुए। अब तक मोदी को कोसने वाले फरीद की भारत की तरक्की देख आंखें खुल गई। फरीद जकारिया ने अपने शो में न सिर्फ इसका जिक्र किया बल्कि उसका एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए फरीद ने कहा कि जहां पूरी दुनिया में आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं, तो वहीं भारत में पॉजिटिविटी की एक लहर नजर आती है। CNN से जुड़े फरीद ने बताया कि भारत में जो माहौल है उसे देखकर वो अचंभित हैं। आपको बता दें कि फरीद जकारिया CNN में भारत अमेरिका के साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीति के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। फरीद के मुताबिक अमेरिका और यूरोप जहां महंगाई और मंदी की वजह से परेशान हैं, तो वहीं भारत में आर्थिक स्तर पर जो क्रांति आई है, जकारिया ने उन 3 क्रांति का भी जिक्र किया जिसकी वजह से देश तरक्की पर है। भारत को देखकर यहां साफ लगा कि दुनिया में भारत को लेकर जो इमेज बनाई गई उससे वहां की हकीकत बिल्कुल अलग है। जहां अमेरिका और यूरोप के लोग महंगाई और आने वाले रिसेशन को लेकर परेशान हैं, वहीं भारतीय फ्यूचर को लेकर ऊर्जा से भरे हुए हैं। भारत अब इस ग्रह पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इस साल 5.9% के साथ सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। भारत का वक्त आ गया है। जकारिया यहीं नहीं रुके, जकारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था भारत का समय आ गया है। जकारिया ने कहा साल 2006 में जब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस गए थे, तो उन्होंने छोटे स्विस शहर में हर जगह तुल्य भारत के होर्डिंग देखे थे, जिस पर जकारिया ने अपने शो में कहा था उन वर्षों की तुलना में भारत अब ज्यादा तेजी से यानी 9% की दर से वृद्धि कर रहा है। जकारिया ने दावोस में भारत के उस वक्त के ट्रेड मिनिस्टर कमलनाथ से बातचीत का भी जिक्र किया जिसके मुताबिक कमलनाथ ने उस समय कहा था कि जल्द ही उनका देश चीन को पीछे छोड़ देगा, मगर ये सच नहीं साबित हुआ। आज जहां पूरी दुनिया का विकास धीमा है, आर्थिक सुधार ठप है, मोदी सरकार में भारत एक नई इबादत लिख रहा है, कई विदेशी कारोबारी बड़े उत्साह के साथ भारत पहुंचे हैं। उन्होंने गूगल और एप्पल का भी जिक्र किया, यानी पीएम मोदी के काम देखकर ये अमेरिकी पत्रकार जो अब तक भारत का विरोधी था, आज मोदी और भारत का मुरीद बन गया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।